अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने व 125 करोड़ देशवासियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 1991 से भी ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। कोल, मिनरल, पावर, रक्षा क्षेत्र, सिविल एविएशन, सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के उन सभी क्षेत्रों में हमने ऐसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं जो भविष्य में सशक्त, समर्थ व समृद्ध भारत की इबारत लिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासन युक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। उन्होंने पार्टी के हर कार्यकर्ता व पदाधिकारी से आह्वान किया कि सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास के नए अवसरों को बढ़ाने, युवाओं के लिए नई ओपनिंग, मानव संसाधनों के लिए एक नया उत्सर, बुनियादी ढांचे के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने, प्रौद्योगिकी की ओर चलने और बजट में नए सुधार लाने के दृष्टिकोण की कोशिश की गई है। सरकार ने लगभग 35% का खर्च बढ़ा दिया है। सड़कों में 118,000 करोड़, रेलवे के लिए 110,000 करोड़, पानी के जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 2,23,000 रुपए, वह भी 137% वृद्धि के साथ, मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 65,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बल देने के लिए 20,000 बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है। किसी ने बीच में से अच्छा सुझाव दे के टंडल रन के बारे में बोलिए, आप ही नहीं आज पूरा देश बोल उठा है कि हिंदुस्तान को एशिया की या सबसे ऊंचाई पर जो टनल बनाकर दी, तो जो वर्षों से नहीं बन पाई वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर हिमाचल को करने का काम किया। दुस्समय भी कटाक्ष ही कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, आलोचना ही कर रही थी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता देश के हर कोने में जमीन पे लगे हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज अगर दुनिया भर के देशों में कहा जाता है कि किसी देश ने जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है उन देशों में किसी देश का नाम आता है तो हमारे भारत का आता है। क्यों आया? क्योंकि मोदी जी ने नेतृत्व किया। मुझे आज भी याद है 24 मार्च को जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो माननीय गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और मुझे तीनों को वहां पर बुलाया गया प्रधानमंत्री जी के निवास पर। लगातार हमारी बैठकें 3-2 महीने तक इस पर होती रही, क्या करना चाहिए, संसाधन कम है, कितनी लंबी लड़ाई होगी किसी को पता नहीं। क्या आप में से किसी को पता था 24 मार्च को क्या होगा? किसी को कल्पना नहीं थी कि आगे क्या होने वाला। कम संसाधनों के बावजूद मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, गरीब से गरीब भी, जो भूख के कारण मरे या भूखमरी के कारण मरे। हमें हर किसी को अन्न और धन देने का काम करना है। आज मैं यहां पर खड़ा होकर कह सकता हूं 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल और चना देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने।